तो आज हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग का एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ज्योमेट्री के रिलेटेड, एनटीएस गेट जनरल यूसेट इन एचईटी टेस्ट के लिए। अगर आपने पिछले क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी के वीडियोस नहीं देखे तो उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है एंड यहाँ पर आई बटन में भी अवेलेबल है, तो आप उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। सो टुडे क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ज्योमेट्री विच इज इन द फिगर इफ एल वन पैरेलल टू एल टू What is the value of n in term of m? अब यहाँ पर ये फिगर गिवन है आपके सामने एंड यहाँ पर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n इन टर्म ऑफ m. ओके, ये m प्लस 5 है, ये m है एंड दिस इज ऑल्सो m एंगल. ओके, अब यहाँ पर देखिए कि कुछ क्वान्टिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे हैं कि 2 या 3 सेकेंड्स में भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शॉर्ट ट्रिक इन कंसेप्ट होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर हमने पिछले वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया था ज्योमेट्री के रिलेटेड कि जब भी एक स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वो इसी तरह स्ट्रेट लाइन हो, वर्टिकल हो या इस तरह हॉरिजेंटल हो, इसमें यहाँ पर जो एंगल है विच इज़ स्ट्रेट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द फ्लैट एंगल और स्ट्रेट एंगल, दैट इज़ इक्वल टू 180. ओके, अब यहाँ पर ये एंगल भी 180 के बराबर है. अगर ये एक ऐसा लाइन हो, इंक्लाइंड, इस ये एंगल भी 180 होगा. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक लाइन है विच इज़ L1 को आप देख सकते हैं. ओके, तो ये लाइन आप देखें कि ये एंगल एंड ये तीनों एंगल्स का समेशन जो है 180 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर यू कैन सी दें कि ये तीनों एंगल का समेशन जो है 180 के बराबर होगा. तो आई कैन राइट हियर m प्लस 5 जो है ये एंगल प्लस n प्लस m, ओके, इज इक्वल टू 180. ओके, तो यहाँ पर 2m 5 प्लस n प्लस 2m इज इक्वल टू 180. ओके, तो हमने वैल्यू फाइंड करना है n का, तो ये मैं शिप कर देता हूँ वहाँ पर, विच इज n इज इक्वल टू 180 माइनस 5 माइनस 2m. ओके, तो n इज इक्वल टू 180 माइनस 5 विच इज 175 माइनस 2m. And this is the correct option because we have to find the value of n in term of m. Okay, तो यहाँ पर कौन सा option ठीक है, which is C option and that is the correct option. Okay, तो ये question समझाने में 2 या 3 minutes लगे यहाँ पर, लेकिन अगर आपके पास ये concept है तो 2-3 seconds में भी आप इस तरह question को solve कर सकते हैं. तो आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ लर्न किया होगा. फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो. शुक्रिया.